YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA News। देश का सच दिखाते हैं हम। श्री हिम्मत अभिलाष पुलिस अधीक्षक जिला जालोर के निर्देशानुसार जिले में नकली घी के कारोबार पर रोक लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री जयदेव सियाग वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रभारी जिला स्पेशल टीम श्री देवेंद्र सिंह, निरीक्षक पुलिस श्री बाघ सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को साथ लेकर दिनांक 8 जून 2020 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर श्री करण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, जाति राजपूत निवासी तड़वा, जो अपने बेटे नकली घी बनाकर असली के रूप में फर्जी व कुट रचित लगाकर असली के रूप में बेचता है तथा मौके पर फर्जी पैकिंग कर बेचने के लिए तैयार कर रहा है। सूचना पर वृत्ताधिकारी जालोर मई टीम द्वारा तड़वा स्थित करण सिंह के बेरे पर दबिश दी तो पुलिस की गाड़ी को देखकर करण सिंह मौके से फरार हो गया। बेरे पर उसकी पत्नी व छोटे बच्चों को पूछने पर तड़वा गाँव की तरफ जाना बताया। बेरे पर रहवासी मकान की तलाशी लेने पर पठाल व रसाई की तलाशी लेने पर पठाल में पॉम ऑल से नकली देशी घी बनाने के निम्नलिखित उपकरण, रैपर्स, खाली डिब्बे व नकली घी पाया गया। मौके पर इस संबंध में कोई परमिट या लाइसेंस नहीं मिला, ना ही करण सिंह के परिवारों ने होना बताया। पठाल व रसोई के पास व चौक में निम्नलिखित सामग्री पाई गई। एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर बायला स्टील का चालू हालत में, जिसकी माइज करीब 4 फीट ऊंचाई, अंदर का डायग्राम 2x2 फीट का, जिरा में पाम आयल व एरोंगा डालकर नकली घी बनाया जाता है। एक गैस भट्टी में गैस सिलेंडर भारत गैस का 15.7 किग्रा चालू हालत में। एक एयर कंप्रेसर जो नकली घी बनाने के डिब्बे, 3 पैकिंग करने की एक बड़ी मशीन तथा एक ढक्कन सील पैकिंग करने की छोटी मशीन। एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा चालू हालत में तथा उसके पास एक लोहे के बड़ी कढ़ाई जो नकली घी बनाने के काम ली जाती थी। अभी इस कढ़ाई में करीब 400 ढक्कन 1.5 लीटर के भरे हुए पाए गए। प्लास्टिक के कुल 5 ड्रम 200 लीटर के, जिनमें से 4 ड्रम खाली, जिनमें 102 ग्राम नकली घी मिट्टी युक्त पड़ा है तथा 1 ड्रम में 90 लीटर नकली व बनावटी घी पाया गया। उक्त ड्रम में पाए गए 9 डिब्बा 15 लीटर के रिफाइंड पॉम ऑल से भरे हुए पाए गए, जो सभी एक ही तरह की ब्रांड के होकर सील बंद पाए गए। इन डिब्बों पर कमानी क्रिस्प रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल अकिंत होना पाया गया, जो सभी 8 कमानी PVT LTD के होना पाया गया। एक कार्टून जिसमें गुलवर देशी घी ब्रांड के 0.5 लीटर के 12 टीन पाए गए, जिन पर अंग्रेजी में मैन्युफैक्चर्ड वाई। एक कार्टून जिसमें गुलवर देशी घी ब्रांड के 1 लीटर के 6 टीन पाए गए, जिन अंग्रेजी में मैन्युफैक्चर्ड वाई। श्री गणेश ट्रेडर्स बैरट रोंग तनवा तहसील अव जिला जालोर राजस्थान इंडिया 3,43,001 अकिंत है तथा कस्टमर केयर नंबर अकिंत है जो नंबर करण सिंह के है। एक प्लास्टिक का 100 लीटर का खाली ड्रम व एक प्लास्टिक का किमा जो नकली घी बनाने का उपकरण है। एक सफेद रंग का प्लास्टिक का जरीकेन जिसमें करीबन 2 लीटर नकली घी बनाने का एसेंस केमिकल से भरा हुआ पाया गया। एक प्लास्टिक का कट्टा जिसमें 2 कार्टन जिसमें 15 लीटर के 3 पैकिंग करने के करीबन 300 ढक्कनों से भरा हुआ पाया। 0.5 लीटर के खाली 3 गुलवर देशी घी ब्रांड लिखे हुए खाली मिले। 15 लीटर 3 पैकिंग के कागज, 300 गते जिन पर गुलवर शुद्ध देशी घी उपरोक्ता अनुसार माका लगा हुआ। 1 लीटर व 0.5 लीटर 3 पैकिंग के ढक्कन, 4 कार्टन भरे हुए पाए गए। एक बैग जिसमें गणेश ट्रेडर्स के नाम की बिल बुक है, जिसमें लोकल एरिया में घी सप्लाई करने के बिल कटे हुए हैं, जो नकली देशी घी बनाने की फैक्ट्री के रूप में कार्यशाला संचालित करना पाया जाता है। उक्त समस्त को जब्त कर करण सिंह द्वारा पॉम ऑल, खाली डिब्बे, डिबियों को पैकिंग करने के उपकरणों सहित कुटरचित रैपर्स के जरिए पॉम ऑल को बॉयलर आदि से प्रोसेस कर कुटरचित स्टीकर्स लगाकर नकली घी को असली के रूप में बनाकर बाजार में बेचना पाया गया, जिस पर आरोपी करण सिंह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।